हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारतीय सेना से जुड़ी बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं विकास का। ये शुक्रिया, आत्मनिर्भर भारत की ये खबर है। अब बात भारतीय सेना की, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। हम हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है वर्दी की। क्या है पूरा मामला, देखिए सिर्फ एक मिनट में। भारतीय सेना के कपड़े अब देश में बनेंगे। गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा देश के जवानों की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा। जी हाँ, हमारे भारतीय जवान जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसका कपड़ा पहले चीन में तैयार किया जाता था, लेकिन अब जवानों की वर्दी पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री को फैब्रिक के जो सैंपल भेजे गए थे उसकी अलग अलग प्रकार से टेस्टिंग की गई थी। इस टेस्टिंग में सूरत के उद्योगकार संजय सरावगी ने बाजी मार ली और कपड़े के स्टॉक के लिए सारा ऑर्डर इन्हें दिया गया है। मिलिट्री यूनिफॉर्म के लिए करीब 10 लाख मीटर कपड़े का ऑर्डर मिला है। कपड़ा बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। करीब 2 महीने में कपड़ा बन जाएगा। उसके बाद कपड़े को प्रोसेसिंग के लिए पंजाब और हरियाणा की गारमेंट कंपनी को भेजा जाएगा। ये कपड़ा काफी मजबूत होता है। बता दें कि गुजरात में सूरत कपड़ा उद्योग का हब है।